आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन सेम टॉर्क एक्ट ऑन द टू रोटेटिंग रिजिड बॉडी टू स्टॉप देम, यानी कि दो यहाँ पे रोटेटिंग बॉडी आपको दिया हुआ है और दोनों बॉडी को हम क्या कर रहे हैं कि रोटेशन से स्टॉप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क टाउ लगा रहे हैं, ठीक है ना, टॉर्क टाउ का यूज कर रहे हैं। और बोला हुआ है कि विच हैव द सेम एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल जो है एंगुलर मोमेंटम वो भी सेम है, ठीक है, और टॉर्क भी सेम यूज कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा आंसर जो है करेक्ट होगा। बॉडी विथ द ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्सिया स्टॉप फर्स्ट, बी नंबर बॉडी विथ स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्सिया स्टॉप फर्स्ट, सी नंबर पर दिया हुआ है बॉडी दैट बोथ द बॉडी विल बी स्टॉप आफ्टर द सेम टाइम, एंड डी नंबर दिया हुआ है वी कैन नॉट प्रिडिक्ट विच स्टॉप फर्स्ट। तो अगर मान लेते हैं कि सबसे पहली बात तो ये, अगर बॉडी को हम रोटेशन से रोकना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बॉडी क्या हो रहा है, पहले से रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, ये मान लेते हैं कि दोनों बॉडी है। अब दोनों बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन से रोकने का कोशिश कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि दोनों बॉडी जो है अगर इस साइड जो है अगर ये घूम रहा होगा पहले से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टॉर्क जो है किस साइड लगाना पड़ेगा, टॉर्क हमें इस साइड लगाना पड़ेगा। इतना बात तो क्लियर है, टॉर्क हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अब बॉडी रुकना चाहिए, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका मास जो है m है और इसका मास इसका आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो है आई वन है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना है आई टू है, ठीक है, ये समझ में आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई वन है और मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई टू है। तो टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, ये होता है आई इंटू अल्फा होता है, तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, टाउ अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे आई हो जाएगा, क्लियर बात है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टॉप करना चाह रहे हैं, यानी कि अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो हमारे पास तीन इक्वेशन होता है, न्यूटन लॉ जो न्यूटन इक्वेशन होता था इसी को मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ रोटेशन मोशन में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू, जैसे वी इक्वल टू यू प्लस होता था यू टी होता था, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस अल्फा इन टू टी, एंड दूसरा होता था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू यू टी को क्या लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर, तीसरा क्या हो जाता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस अल्फा इंटू थीटा होता था, थीटा हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर बात है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, किसका टाइम और ओमेगा में रिलेशन लाना है, तो अगर ये वाला इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करें तो लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इन टू टी, ये क्या है फाइनल एंगुलर एक्सीलरेशन, ये क्या है इनिशियल, इनिशियल तो हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, अब क्योंकि दोनों रोटेट कर रहा था इनिशियल यहाँ पे रखते हैं, फाइनल क्या हो रहा है यहाँ पे जीरो हो रहा है, ठीक है, फाइनल क्या हो जा रहा है जीरो हो जा रहा है। तो टाइम अगर यहाँ पे मैं निकालूँ तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा अल्फा निगेटिव हो जाएगा क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो निगेटिव हो जाएगा बिल्कुल, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू टी और यहाँ पे टाइम इक्वल टू क्या उतना हो जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा नॉट अपॉन ये अल्फा का वैल्यू रखे तो टाओ इंटू आई हो जाएगा, ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया ओमेगा नॉट आई अपॉन टाओ हो गया, ठीक है, ओमेगा नॉट आई अपॉन टाओ हो गया। अब यहाँ पे आई इंटू ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, ये होता है एल अपॉन टाउ होता है, तो हमारा फाइनली जो है टाइम का फार्मूला क्या आ गया, एल अपॉन टाउ आ गया, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन यही चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमारा रिलेशन जो है इसी में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो टी इक्वल टू कितना हो गया, एल अपॉन टाउ आ गया, और हमारा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है टाउ और आई दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, तो अगर दोनों सेम है, ये दोनों के लिए सेम है, तो ठीक है टी भी सेम हो जाएगा क्योंकि एल और टाउ दोनों के लिए सेम है, तो दोनों टी टाइम के बाद रुकेगा। ये टी क्या था, ये टी क्या आया था, टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, क्लियर बात है। तो यहाँ पे टी सेम आ गया, दोनों सेम टाइम में रुकेगा, क्लियर बात है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, तो सी इसका ऑप्शन होगा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।